फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। वीडियो का विषय है हाउ टू अप्लाई स्कॉलरशिप ऑन डॉक्टर अंबेडकर पोर्टल। हम डॉक्टर अंबेडकर पोर्टल के ऊपर स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए जो वेबसाइट दी गई है वो है www.scholarships.punjab.gov.in। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है और स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। तो फ्रेंड्स, जो स्कॉलरशिप का पोर्टल का जो फ्रंट पेज है वो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पे जो एरो दिया है स्टूडेंट एसोसिएशन, तो स्टूडेंट एसोसिएशन के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। तो डिटेल में देखते हैं वीडियो। वीडियो में जाने से पहले प्लीज़, ये वीडियो देवकी कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जो जो नए वीडियोज हम बना रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है अपने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल। तो क्लिक करना है, तो सबसे पहले आ गया पंजाब स्कॉलरशिप, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा पेज। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपके पास ये फ्रंट पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे नॉन मैनेजमेंट कोटा को अप्लाई करना है। उसके बाद आधार नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम, मिडल नेम है और लास्ट नेम, और मेल और फीमेल, देन क्लिक ऑन एग्री टू प्रोसीड। तो ये आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने एग्री पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो अगर ये आपका आधार कार्ड आपके आधार से मैच करता हुआ, टोटल डिटेल आपके आधार कार्ड से मैच करती हुई, तो ही आगे ये प्रोसीड होगा। तो उसके बाद आपने बेसिक डिटेल भरनी है, फादर नेम, मदर नेम, आपका रिलीजन क्या है, कैटेगरी क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भर के और ये कोड फिल करना है और आपने सेव अबव डिटेल एंड रजिस्टर्ड मी पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड, उसको रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैंने इसको ब्लर किया हुआ है क्योंकि ये किसी का पर्सनल आईडी पासवर्ड है तो आपको विजिबल ना हो सके। तो देन गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल। आपने इस आईडी को नोट करना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जैसे ये मैंने नोट किया अपनी नोटबुक के ऊपर, तो ये आपके परमानेंट आपके पास नोट होनी चाहिए या फिर आपके मोबाइल पर मैसेज आए चला जाएगा। देन क्लिक ऑन गो टू पोर्टल। तो यहाँ पे आपने इसको फिल करना है आईडी पासवर्ड, देन ये और क्लिक ऑन लॉगिन। तो फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। खुलने के बाद आपने नीचे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो बेसिक डिटेल्स है आपने यहाँ पे फिल करनी है। जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील कौन सी आएगी, इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा, एकेडमिक ईयर ये रहेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा कोर्स कौन सा है, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ आपके सामने, जो मैंने फिल कर दिया ये। देन कोर्स क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग कोर्सेज आएंगे आपके। तो एनरोलमेंट डेट क्या है आपकी, उसके बाद आपका जो भी सेशन नंबर है इंस्टीट्यूट में वो क्या है वो डाल देना आपने। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी है यस और नो, अगर है तो आपने, अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो आपने बता देना यहाँ पे, जैसे ब्लाइंड है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लेप्रोसिक्यूर्ड है, मेंटली रिटार्डेशन है, इस प्रकार की जो भी है। तो देन हॉल टिकट नंबर मीन्स आपके जो लास्ट क्लास पास है उसका रोल नंबर क्या है आपका। कौन से साल में वो पास किया आपने, अटेंडेंस परसेंटेज क्या थी आपकी, पासिंग परसेंटेज क्या थी आपकी, प्रमोटेड या सर नो, कौन से बोर्ड से की है, फिर टेंथ क्लास का आपका रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पे। टेंथ क्लास का रिकॉर्ड आपने यहाँ पे फिल करना है और देन आपका जो डे बोर्डर है, होस्टलर है, उसके बारे में आपने बताना है। इसका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो बताना है आपने। देन जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट डेट है वो बतानी है आपने। किसने बनाया हुआ है उसके बारे में बताना है आपने। देन इनकम सर्टिफिकेट नंबर क्या है आपका, कौन सी डेट को जो इशू हुआ है।
देन कितनी इनकम है आपकी, देन फिर आपका बैंक अकाउंट का आईएफएससी क्या है, तो देन उसका अकाउंट नंबर डालना आपने यहाँ पे, उसको री एंटर करना है आपने अकाउंट नंबर को, देन अंडरटेकिंग यस करनी है आपने और रजिस्टर्ड ऑन स्कॉलरशिप पोर्टल। तो आपके पास मैसेज आ चुका है यूएस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन से सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना है। तो करने के बाद आपके पास एक डाउनलोड एंड अपलोड अंडरटेकिंग का जो लिंक ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो देन चूज फाइल, जो भी आपकी फाइल है उसको आपने यहाँ से चूज करना है, पीडीएफ फाइल होगी यहाँ पे अपलोड, उसको क्लिक करना है और अपलोड अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग अपलोड करने के बाद आपने इसको लॉक करना है, एडिट लॉक एप्लीकेशन प्रिंट एडिट करना है। अगर आपने कोई भी चीज़ आपको लगती है वो गलत है उसको एडिट कर सकते हो। देन आपने उसको लॉक करना है, क्लिक ऑन लॉक, लॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद मैसेज आएगा लॉक एप्लीकेशन एंड सेंड टू इंस्टीट्यूट, देन क्लिक लॉक और ये एप्लीकेशन आपकी इंस्टीट्यूट के पास चलेगी। देन क्लिक ऑन सेव एंड प्रिंट, आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, ये पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड हो चुकी है। देन क्लिक ऑन प्रिंट, तो इसको हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी इजी वे हाउ टू अप्लाई स्कॉलरशिप ऑन डॉक्टर अम्बेडकर पोर्टल। तो जो भी ये पंजाब के स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप पोर्टल अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप, तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जो स्टूडेंट पंजाब के हैं बट स्टडी कहीं पे और कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक फॉर्मेट दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने फ्रेंड्स, उसके लिए आपने डॉक्टर अम्बेडकर पोर्टल स्कॉलरशिप पोर्टल को ओपन करना है। देखो बिल्कुल नीचे डाउनलोड स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर पंजाब स्टूडेंट स्टडिंग इन अदर स्टेट्स, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं या किसी और स्टेट में स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए ये फॉर्मेट है, तो इसको डाउनलोड करना है आपने और इसको फिल करके आपने सबमिट करवाना है। तो ये फॉर्मेट है जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं किसी अदर स्टेट में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मेट है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन लाइक बटन एंड क्लिक ऑन बेल बटन, तो क्योंकि जो जो नए वीडियोज़ हम बना रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नॉलेज इंक्रीज करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।